नमस्कार, मैं एक यादव स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो मैं आज आया हूं बहुत बड़े अपडेट के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, कल यूपी की अलॉटमेंट लिस्ट या फिर रिज़ल्ट जारी हुआ था, मैं कह दूं, ठीक है। तो उसमें एक बहुत बड़ा सिनेरियो देखने को मिल रहा है कि यूपी DGME ने टोटल जितने जो यूनिट PG का सेकेंड राउंड का रिज़ल्ट निकला था, पूरी काउंसलिंग ही रोक दी है। रिज़ल्ट को वापस से उसने कैंसिल कर दिया है, जितने भी रिज़ल्ट निकला है। तो एक सिनेरियो देखने को मिल गया है इशू यहाँ पे उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग में। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, तो इसके बारे में भी चलिए जान लेते हैं। आप एक मैं नोटिफिकेशन लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं इसका। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने स्क्रीन लगा दिया है आपके स्क्रीन पर, आपको दिख रहा होगा। तो ये साइट में ऑफिशियली उन्होंने नोटिफिकेशन निकाली है कि जो रिज़ल्ट NEET PG सेकेंड राउंड का डिक्लेयर हुआ था 3 तारीख को, उसको स्टॉप कर दिया गया है वहीं पर। अब इसके पीछे रीज़न क्या है वो मैं बता देता हूँ। तो जो स्टूडेंट्स, जो रूल था ये कि अगर आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग में कोई सीट मिल गई है NBE या फिर DNB या फिर MDMS की, तो आप अपने किसी भी स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जाहिर सी बात है, MCC ने जो नोटिफिकेशन जारी की थी, जो रूल था, अगर आपको सीट ऑलरेडी मिल चुकी है, अलॉटेड हो चुकी है फर्स्ट या सेकेंड राउंड में, तो आप अपने स्टेट में किसी चीज़ के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो वहीं यहाँ पे देखने को मिला है सिनेरियो। यूपी में काफ़ी स्टूडेंट्स ने यूपी की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ पे उनको वो सीट्स अलॉट हो गई हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ ब्लंडर क्रिएट हो गया यूपी NEET PG में। तो जो आगे का प्रोसेस देखा जाएगा, जैसे दो उसमें कंडीशंस लागू होती है। पहली ये, या तो फिर जो ये कैंडिडेट्स हैं सबको बाहर कर दिया जाएगा, और स्टार्टिंग से जो चॉइस फिलिंग का ऑप्शन है, चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दोबारा खोल दिया जाएगा सबके लिए, और उसके हिसाब से फिर ये लोग आपको अलॉटमेंट और रिज़ल्ट जारी करेंगे। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे जो आ जाता है वो ये कि दिया जाता है कि जो स्टूडेंट्स को अलॉट हो चुकी है सीटें और वो ऑलरेडी सीट ले चुका, ऑक्यूपाई कर चुके हैं, उनको बाहर किया जाएगा, और उसके बाद जो अपग्रेडेशन का ऑप्शन है वो खोल दिया जाएगा अपग्रेडेशन का। तो जो स्टूडेंट्स को मान लीजिए एनेस्थीसिया मिला है, वो अपग्रेड कर सकते हैं किसी और ब्रांच के लिए, या फिर ऑर्थो मिला है तो वो उससे हाइकिंग की ब्रांच के लिए अपग्रेड करेंगे। तो ऐसे करके ही दो ऑप्शन अवेलेबल हैं अब UP DGME के पास या UP स्टेट काउंसलिंग के पास, क्योंकि दोबारा से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना ये बहुत बड़ा पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि दोबारा से उतना टाइम देना रजिस्ट्रेशन के लिए, फिर नए कैंडिडेट्स आएंगे, फिर उसके रिज़ल्ट जारी करना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगा। तो जो सिनेरियो है, दो ही कंडीशन आपको बता दी मैंने, या तो ये लोग पहले जो स्टूडेंट्स अलॉट हो चुका है उनको बाहर करें, उसके बाद ये लोग अपग्रेडेशन का ऑप्शन दें, या फिर दूसरा जो ऑप्शन मैंने आपको जैसा कि बताया ही कि चॉइस फिलिंग दोबारा से करवा कर दोबारा ये लोग अपमेंट करवाएँ, यही दो ऑप्शंस यहाँ पे दिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए एक पॉजिटिव शिफ्ट होती है, जिनको अलॉट हो चुकी है, फिर जिनको थोड़े से मार्जिन से रहेगा उनके लिए एक पॉजिटिव शिफ्ट है यहाँ पे। अब अगर आप पेड काउंसलिंग हमारी लेना चाहते हैं इसके रिगार्डिंग, या फिर ऑल इंडिया काउंसलिंग में आप मैनेजमेंट या फिर NRI सीट्स के लिए, तो नीचे दिए गए हेल्प नंबर पर मुझे एक बार कॉल कर लें या फिर मुझे व्हाट्सएप कर लें। क्या सीन है, क्या चीज़ें हैं, क्या सीट मैट्रिक्स है, हर चीज़ मैं आपको क्लियर करूँगा स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या होना है। तो अगर हमारी पेड सर्विस आपको अवेल करनी है तो प्लीज़ नीचे दिए गए हेल्प नंबर मुझे कॉल कर लें। एडमिशन्स के लिए देख रहे हैं CPS FCPS, तो उसके लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, नए अपडेट के साथ मैं फिर से आपके साथ जुड़ूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।